अरे क्या था इसका नाम भूल। ये क्या है? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Kanishka. And me, Mridul. So we are back with another video. और ये है challenge video जिसमें मुझे guess करने हैं। ये सब मुझे बोलना था अपने आप से। Guess क्या करना है पर मुझे? Girls के कुछ products जो मुझे पता है सिर्फ। आपको कैसे पता है? और वो सारे girls के ही होंगे। मतलब तो देखना है ना आपको कितना पता है और कितना नहीं। मुझे तो सब पता है। Oh my God. तो फोन में फोटोज है और ये इसका फोन है, मेरा फोन में क्योंकि वीडियो बन रही है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर भी जगह होगी यहाँ इधर उधर वहाँ हम पिक्चर लगा देंगे, ठीक है? और क्या? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट प्रोडक्ट और देखते हैं इसको कुछ पता है कि नहीं, ठीक है? ऐसे मुझे लगता है पता होगा बाकी। और यार आप दोनों ना पहले की वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, ऐसे दिखाते रहो, ऐसे ही दिखाते रहो। अगर ऐसे ही ना, सिर्फ प्रैंक वीडियोस में प्यार दिखाना है, सब में दिखाना है। और अगर ऐसे ही दिखाते रहोगे ना तो फिर धीरे 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 करके और भी चीजें पता चलेंगी तुम्हें, नई चीजें हमारी। हाँ तो प्यार दिखाते रहो। हाँ अगर ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो फिर मैं भी इस पे प्रैंक करूंगा। हाँ उसमें भी टाइम है तो आप लोग सपोर्ट करते रहो बस। तो हम फर्स्ट प्रोडक्ट दिखाए, ठीक है ये वाला रखते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज ब्राइटनेस बढ़ा लो यार। फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, इधर उधर मत करना। अरे उनको पिक्चर दिखेगी ना, कोई बात नहीं। यह है क्या? लार्ज राउंड, मीडियम राउंड, स्मॉल ओवल। इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है कि आप एक ही पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, वो ऐसा ही है। पिक्चर क्लियर नहीं है, जब पता ना हो तो पिक्चर पे डाल दो। ये वो है क्या, बच्चा रो रहा हो तो उसके मुंह में ठूस दो? कुछ भी, बच्चों का नहीं है, गर्ल्स का है। हाँ तो लड़की अगर परेशान, दिक्कत दे दियो। बकवास क्या है? बोला है व्लॉग में। अब सही तो है, अगर आप मुझे ऐसे बोलोगे तो लेना पड़ेगा। अच्छा भाई चुपचाप सही चीज बताओ, पता है तो, वरना हम टिक टिक शुरू कर देंगे। नहीं पता यार, नहीं पता, कोई गेसेस भी नहीं, एटलीस्ट गेस तो करो कोई, तभी तो मजा आएगा। तो ऐसी क्या बड़ा बोरिंग बनाओगे? तो दो क्या क्या है ये, मतलब मेकअप प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है? मैंने बता दिया गर्ल्स प्रोडक्ट है। तो गर्ल्स प्रोडक्ट ही है सारे के सारे, तो फिर उसमें बताना क्या? तो फिर बताओ ना यार, फिर भी हिंट तो दो, एक हिंट तो बनता है। नहीं थोड़ा सा तो बनता है यार, ये आपने पहले देखा था इससे पहले? हाँ मुझे तो पता है। क्या है यार ये? मैं यूज ये नहीं जो करती। एक दो तीन ऐसे हैं, ये सेम ही है, मतलब हाँ ये इनका यूज सेम है बट वो साइजेस हैं या फिर लिखा तो है लार्ज मीडियम स्मॉल। एनी गेसेस यार, पता है ये कप कौन सा कप? नो no? ये कप कहाँ से लग रहा है, कौन सा कप है ये? पता नहीं यार, पता नहीं। ये सेम प्रोडक्ट है, ये सेम है, इसका सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, मतलब ये दो दो नहीं है, एक एक ही है आई गेस। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। नहीं आ रहा बताओ, पहले में ही आउट हो गया। तो क्या है ये? ये लिप प्लम्प है। लिप प्लम्प क्या होता है? वो लिप को भी प्लम्प करते हैं। हाँ जो लड़कियां मतलब ऐसे जिनको मोटे से ऐसे करके दिखाने होते ना बाहर निकले हुए, प्लम्बिंग कर लो ना, तो उसके उसको ऐसे डालो और फिर वो मोटे हो जाते हैं। कुछ भी ठीक है। तो ये तो गर्ल प्रोडक्ट थोड़ी है, तो कोई भी यूज कर सकता है। तो करती तो लड़कियां ही हैं। आप जैसे के ले देखो, आपके छोटे से लिप से ना आप करो तो ऐसे। मुझे बढ़ाने ही नहीं ना भाई, किसको शो गया ऐसे ऐसे, आपके तो ऐसे भी छोटे ही लग रहे हैं करके भी, ऐसे चीटिंग मत करो। सेकंड प्रोडक्ट है ये, ये तो पता ही होगा, ये तो पता है। चलो कैसे पता है, चलो बताओ। ये एक मैंने ना इंस्टाग्राम रील वीडियो में भी देखा था। हाँ तो पता है क्या है यार इसका ना, मेरे को ये नहीं पता है यूज कब होता है, बट इसका बेसिकली यूज उसमें होता है जैसे जो ड्रेसेस नहीं होती इनकी। ओके वी वांट नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम मतलब चिपकू। हमें बेसिकली चिपकू, हाँ इंग्लिश में चिपकू क्या बोलेंगे? ओहो ये लोग आवाज कर रहे हैं भाई, कोई नहीं बताइयो। ये चिपकू है क्या? चिपकू
वी वॉन्ट एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट. आप चिपकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिपकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सक्शन पंप. सक्शन वाला ही होता है यार कुछ तो चिपकू. अबे यार शट अप. इसका नाम नहीं पता, यूज इसका यही है जैसे यूज करते हैं. हां इसको लड़कियां यूज करती है जब. तो लड़कियों के ही प्रोडक्ट्स दिखा रही हूं मैं. लड़कियां यूज करती हैं जब, कब, कहां? चेस्ट पे. चेस्ट. ओ भाई साहब क्या चेस्ट पे क्या नाम है इसका? नाम नहीं पता देखो, पर ये पता है कि लड़कियां चेस्ट पे यूज करती हैं. ठीक है, अब अगर लड़कियों ने कमेंट करा ना इसको बताना कहाँ यूज करती हैं. वो क्यों बताएंगी मुझको? क्यों नहीं बताएंगी यार, ये वही यूज करते हैं. ये उन ड्रेसेस में होता है ना जिसमें ये नहीं पहन सकते, क्या बोलते हैं उसको? क्या लड़कों को पता सब होता है भाई, लेकिन लड़के बताना नहीं चाहते. और क्या देख लो, और हम एसी बंद करके बैठे हैं गाड़ी में ताकि आवाज ना आए. बता दिया मैंने यार, ये सही है. हमें नाम नहीं पता ना यार. ये नहीं है, ये तो फिर चीटिंग हुई. पता नहीं क्या लड़कियां यूज करती हैं. लड़कियां कहां यूज करती हैं? बता दियो तो सब मैंने. चलो ठीक है, इसके लिए हम दे देते हैं, बता दिया. बच्चा समझ के छोड़ देते हैं इसको. अच्छा, बच्चा समझ के. अच्छा, स्टिकॉन्स. चिपकू इंग्लिश में आप स्टिक तो लगा था बता. यार हम देसी लोग हैं ना, इंडियन लोग हैं, देसी इंडियन. चलो नेक्स्ट इज दिस. अबे ये क्या है? ये उंगली फंसाने का ऐसे. ऐसे क्या? इसमें नीचे ऐसे उंगली फंस जाती है, रिंग बन जाती है. टू फिंगर रिंग है. हाँ, टू फिंगर रिंग. फिर क्या करें? क्या करे टू फिंगर रिंग का? इसको अपना ऐसे वो रख लो, ऐसे ठुड्डी जैसे जो लोगों का हाथ में उठाना होता ना वैसे रख सकते हैं. लॉजिक क्या हुआ इसका? क्या लॉजिक भाई? कम्फर्ट. तो लड़कियां ही क्यों यूज करेंगी ये? क्योंकि लड़कों का तो ऐसा शौक नहीं होता ना ऐसे रखने. लड़कों का तो ऐसे रख लेंगे लड़के. कोई लॉजिक ही नहीं हुआ इस बात का भाई. क्या लॉजिक? क्या नहीं हुआ? क्या लॉजिक है? आप कह रहे हो इसको ऐसे रख लेंगे. क्या ये कौन सा प्रोडक्ट आया नया? यही प्रोडक्ट होता है कम्फर्ट जोन की. क्या क्या दिखा रही हुई? क्या है? ये रहा किस चीज का? रबर का, प्लास्टिक का? रबर पूरा. आई गेस मैंने यूज नहीं करा. मैं यूज नहीं करती. तो आपने यूज नहीं करा तो मेरे को कैसे पता होगा? तो पता करके बताओ. उनको देख के बताता हूं. नहीं, आपका फोन मेरे पास है. बोल रहा दूसरा. नहीं, जल्दी फटाफट बताओ, गेस करो. क्या लग रहा है आपको? रिंग. क्या रिंग? रबर रिंग. रबर रिंग. क्या काम है इसका? कुछ भी काम हो यार, मैं तो इसी के लिए यूज करता है, इसको रखने के लिए ठुड्डी. क्यों? कोई क्यों ठुड्डी ऐसे रखेगा अपनी? कंफर्ट के लिए. तो हाथ रख लो भाई. क्या क्या बकवास सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप? कभी कभार हाथ ऐसे नीचे होता है, मैं इस पे ऐसे ऐसे करके नहीं बैठ सकता, तो मैं इसको पहन लूंगा. ऐसे करके बैठ लो. क्या बहुत ही बकवास सा रीजन दे रहे हो आप इसके लिए? तो नहीं पता. ये इतना बड़ा ठुड्डी के लिए? ठुड्डी अंदर नहीं चल जाएगी इसमें? नहीं पता क्या है. Any guesses? शायद ये हाथ बाहर धोने के लिए, पैर तो पेडी मैनिक्योर जो भी होता है वो करने के लिए होगा. इसमें क्या ही क्या कैसे लग रहा है? हाथ देखे मुझे क्या पता इसमें क्या है ये? चलो नहीं पता. So this is nail polish handle. है? Nail polish handle क्या है ये? इसमें क्या? I guess यही बोलते हैं इसको. जब आपको ही नहीं पता तो फिर? अरे यही बोलते हैं. आपको पता होगा शायद से. मतलब इसको जैसे कि ऐसे रखो उंगली के बीच में, दो उंगलियां लगाई हमने. तो इसमें नेल पेंट रख के नेल पेंट लगा सकते हैं. तो नेल पेंट यहाँ रख के फिर नेल पेंट लगा सकते हैं. समझे? समझ गए? क्या समझे? नेल पेंट, नेल पॉलिश. तो मैंने सही तो बताया था, बस थोड़ा सा. अब आप नेल पॉलिश के लिए यूज करो, मैं ठुड्डी रखने के लिए यूज करूंगा. जब वो बना है इस चीज के लिए, दो उंगलियां डाल के ताकि दोनों उंगलियां अलग रहे और यहाँ हम नेल पेंट रखे. और ये इंडिया है, जुगाड़ पे चलती है.
या ना हम व्लॉग बना रहे जुगाड़। चलो अगला प्रोडक्ट पता ही नहीं इसको, कुछ नहीं पता। तो मैं लड़कियों के प्रोडक्ट जान के क्या करूंगा। ओह माय गॉड। चलो नेक्स्ट इज दिस टॉयलेट पेपर। ये टॉयलेट पेपर कहाँ से लग रहा है? लड़कियों का होगा यार। क्यों होगा लड़कियों का? है क्या ये पेपर? क्या है ये? रेगमाल। क्या लग रहा है आपको ये साइड से देख के? रोल। किस चीज का रोल? बैंडेज है ये लड़कियों की। लड़कियों की बैंडेज कौन सी आती है और लड़कों की बैंडेज कौन सी आती है? लड़कों की छोटी वाली होती है, क्या पता ये ऐसे बांध बूंदने के लिए। कहाँ बांधते हैं इसको? कहीं भी बांध लो यार। क्यों? क्या करेगी ये बैंडेज? टाइट होती होगी ये काफी और स्टिकी होती होगी। मतलब कोई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या टाइट होती होगी और स्टिकी होती होगी। नहीं पता भाई, अब तो कैसे पता होगा। कोई गेस भी तो नहीं कर रहे हो? बता, गेस तो कर दिया। टॉयलेट पेपर ऐसा ऐसा टॉयलेट पेपर दिखता है? दूसरा रेगमाल। टॉयलेट पेपर पहली बार भाई, लड़कियों का तो कुछ भी आ जाता है। जब वो नेल पॉलिश लगाने वाला आ सकता है यार, तो ये क्या है डिजाइन? क्या पता प्रिंटेड टॉयलेट पेपर हो। प्रिंटेड टॉयलेट पेपर और क्या? फटाफट बताओ क्या नहीं है पता, ये? नहीं पता, नहीं पता। तो कैसे पता होगा? ये सबको पता होता है। क्या है ये? आपको ये टेप जैसा नहीं लग रहा? छोटी सी टेप लग रही है मेरे को तो। ये बड़ी टेप है, ये टेप नहीं। आपको टेप ही नहीं लगा पहली बात? नहीं। ये आउट हो गया पहली बात? नहीं, बता रही हूँ। नहीं, बैंडेज वाला टेप। ये टेप है भाई। तो ये यूज कहाँ होगी ये टेप? आपको पहली ये टेप नहीं लगी? ये सबको टेप लग सकती है। पर ये टेप यूज कहाँ होगी? एक फोटो का भी तो एक जरिया होता है ना। वो फोटो ऐसे लगी हुई होता है, वो टेप पता लग रही है, वो टेप है। तो आपको तो पता ही है ना वो टेप है। डबल टेप भी ऐसी दिखती होगी। आपको तो पता है ना वो टेप है, इसलिए आपको लग रहा है वो टेप है। पता नहीं यार, टेप ही लग रही है आपको तो लगेगी। चलो आपको ये पता आउट हो गया। पर ये है क्या, यूज क्या होता है? दिस इज बूप टेप। तो इसका यूज क्या है? क्या यूज है? जो यूज करते हैं उनसे पूछो, मैं नहीं यूज करती। तो मैं भी नहीं यूज करता, मुझसे क्यों पूछ रही है? जो यूज करता है आपसे तो पूछना ही है ना। मतलब ये क्या चीटिंग कर रहा है ये भाई? चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट आते हैं, इस पे इतना टाइम लगा दिया। हाँ नहीं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। ये तो मूछे मूछे बनाने के लिए है। क्या मूछे मूछे बनाने के लिए? रेजर। किस चीज का रेजर? ये आईब्रो का होगा। वेरी नाइस, ये तो पता था। चलो ऐसे तुक्का मारा है इसने, देख के वो शेप देख के पता लग गया ना। और आपको हाई भी चाटा पड़ेगा ना इससे। यार कितने पूछ लिए मैंने? आई डोंट नो, 4-5। ओहो क्या है? व्हाट इज दिस? अरे क्या था इसका नाम, भूल गया। हाँ जल्दी बताओ, याद है आपको तो। कप। विच कप? इसको टी से कुछ बोलते हैं। टी से? टी से ही तो बोलते हैं। अच्छा टी से बोलते हैं इसको कुछ? हमें तो पता ही नहीं था इसको टी से बोलते हैं। हमें लगा टम्पून ऐसे टैम्पू। ये हाँ कप है। हाँ क्या नाम है? टैम्पून ऐसे कुछ बोलते थे इसको, टैम्पू ऐसे कुछ होता है यार। ये था ये तो बुक में भी होता था। गलत। तो क्या है ये बेसिकली कप होता है और ये उसमें यूज होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड में। हाँ लेकिन नाम नहीं पता इसका, पर ऐसे कुछ बोलते हैं। आपने वो वर्ड भी बोल दिया। टैम्पू तो कप। हाँ कौन सा कप? मेंस्ट्रुएशन कप। हाँ इसको इतना समझाने के बाद। सो दिस इज मेंस्ट्रुअल कप। और ये कब यूज होता है? कब यूज होता है? कभी भी यूज कर लो। ये पीरियड्स में यूज होता है। कभी भी यूज कर लो आप, कर लो कभी भी यूज। मैं कैसे कर लूं? कर लो, होते नहीं ना ये। शट अप। 1 2 3
अब आई गेस ये पता नहीं चलेगा क्या ये क्या है भाई खिलौना है क्या है भाई तो पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूं ओ भाई इतना ब्लैंक सा रिएक्शन दिया इसने एकदम जोन आउट हो गया ये देखा अब आपको आवाज आ रही होगी क्योंकि अब गाड़ी स्टार्ट हुई है और हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है देख लो यार थोड़ी देर की बात है बंद कर दो गाड़ी ठंडी होने देते ना गाड़ी आवाज नहीं यार देख लो इतनी आवाज कर रहा है ये अब नहीं आ रही पहले आप ये प्रोडक्ट ये भी मेंस्ट्रुएशन में यूज होता है इतना तो मुझे पता है व्हाट इज दिस एग्जैक्टली वी ऑल नीड टू नो द नेम ऑफ दिस नाम नहीं पता मुझे लेकिन ये यूज वही होता है यूज वही होता है का क्या मतलब हुआ हमें नाम बताओ पूरा पता नहीं इसका नाम आप आउट हो जाओ आउट हो जाऊंगा हाँ तो ठीक है लेकिन मुझे इसका नाम नाम कैसे पता होगा यार किसी को कैसे नहीं पता होगा यार हद हो गई है पता करो मुझे नहीं पता इसका देखते देखते कि आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा देख ही जा रहे हो उसको पता नहीं मैं साइंस स्टूडेंट थोड़ी हूँ तो साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो राह चलते फिरते है किसी भी लड़के से पूछ लो उसे ये पता हो तो मैं तो चलो इतना भी बता दिया आधा कि ये कहाँ यूज होता है क्यों पूछू क्यों ठीक है अगला क्या अगला इसका नाम क्या है नाम नहीं पता ना बोल तो रहा हूँ जो आपने पहले नाम बोला था वो इसका नाम है मेंस्ट्रु टेम्पू टेम्पू टेम्पून टेम्पोन टेम्पोन ओ माय गॉड कंफ्यूजन बट ठीक है उसको पता है नाइस नाइस यार इसमें अगर आपको कुछ सर्च करना हो आप कहाँ करते हो मुझे तब फोन के कुछ नहीं पता चलता सफारी ओ माय गॉड ठीक है अब क्या सर्च कर रही हो एक एक प्रोडक्ट तो उसकी फोटो नहीं है नहीं एक्चुअली मैं भूल गई सो आई एम जस्ट ओके यो सो ये गाइस डू फॉलो मृदुल अंडरस्कोर 7222 इतना ऐसे बताने की जरूरत नहीं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पे टैप करो भाई को फॉलो करो स्टोरी शेयर कर दो चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी इस पे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे करा दो फिर एक नया सरप्राइज मिलेगा आप लोगों बहुत जल्दी मिलेगा मतलब है कुछ लालची है आप लोग प्यार करो लालच क्या यार लालची है ये हाँ मैं लालची हूँ ठीक है कर दो अब तो कर दो बस आप लोग प्यार दिखाते रहो यार ये वो है सब्सक्राइबर्स तो अपने आप हो जाएंगे आई लैश शेफर वेरी नाइस वेरी क्लोज क्या सही बोले आई लैश कर्लर क्योंकि मैंने इसको देख लिया था ना यूज करते हुए ये हाँ ये मैं यूज कर रही थी मतलब मैं करती नहीं हूँ बट इसके सामने मैं करती थी एक बार क्योंकि वो रखा हुआ है बहुत टाइम से एक बार क्या वो पता है क्या करा तो एक ही बार है वैसे पर वो बड़े बुरे दिन करा था यूज याद रह गया इसलिए मुझे बड़े बुरे दिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो मैं ऐसे ही करती हूँ मुझे करना भी नहीं आता कोई नहीं अगला क्वेश्चन अगला हाँ आप घुस जाओ एक काम करो फोन के अंदर घुस जाओ लो घुस जाओ हाँ नहीं तो इसी में अगला मैं इतने प्यार से करती हूँ इसको ऐसे और ये पता लगा पूरा मेरा मैं मार दूंगी बता रही हूँ कैसे मार दूंगी अब खत्म कर देगा आप चैलेंज कितनी देर का हो गया होगा यार ये पता मैं सोचू और आउच और बड़ा ना करके इसको खत्म करते हैं नहीं और बड़ा ना करके मैं इससे पूछ लेता हूं बॉयज का क्या क्या पूछ रहे हो नहीं दिखाओ नहीं दिखाओ नहीं उसका अलग से व्लॉग बनेगा मेरे को नहीं पता भाई कुछ भी अभी नहीं अभी हम थोड़ा प्रिपेयर होने की बताते हैं चलो फिर आज का व्लॉग छोटा था आई नो लेकिन ये एक चैलेंज वीडियो था क्योंकि आप सब लोग बोल रहे थे चैलेंज करो छोटा तो नहीं था जितना भी था हमें पता नहीं
लेकिन हमने कोई कट वट नहीं रखा है इसमें, सारा कुछ देख लेना आप लोग। कट तो मैं डाल दूंगी। तो देखते हैं, अगर बड़ा होगा तो कट्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तब तक के लिए सब लोग कह रहे थे चैलेंज चैलेंज चैलेंज, तो चैलेंज आ गया, कुछ नए आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैंक्स हो रहे थे मेरे ऊपर। ऐसे नहीं लगता है स्क्रिप्ट लिख कर लाता है, क्योंकि मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। देखो ये पूरा ऐसे याद करके बोला हुआ इसने, ऐसा लगता है ना। और क्या, इंडिया इज माय कंट्री, प्लेज। उसके बाद तो मैं भूल गया, इंडिया इज माय कंट्री, वी ऑल आर इंडियंस। क्या होती है, मैं सच में भूल गया भाई। Oh my God. क्या होती है प्लेज मीन, ये हम टाइटल रख देंगे आज का। नहीं सर्च मत करो, वी ऑल आर इंडियंस। नहीं आप मुझे प्लेज बताओगे यार, आपने तो आज मजा ही। हां, इंडियंस माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माइन, यही है भाई। ऑल इंडियंस आर माइन brothers and sister except her brothers and sisters uske baad main bhul gaya all indians are my brothers and sister phir aata hai na shayad I love my country with due respect aapko sikhayenge hum and respect yaar main sikhayenge isko main sach mein bhul gaya bhai isko pledge sikhayenge pehle agle vlog mein pehle vlog start karte hi pledge bolega theek hai हम मैं स्कूल का सबसे वो था ना बैक बेंचर से भी बुरा बच्चा। कोई बात नहीं, बहुत बुरे बच्चे, कोई बात ज्यादा कोई बात नहीं। चलो हम अब गाइस, हम ये वाला चैलेंज, ये वाली चैलेंज वीडियो एंड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसकी बात मत सुनो, इग्नोर हर, इग्नोर हर जस्ट लाइक यू डू। सो गाइस हम ये वाली वीडियो एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल। और जैसे आप लोग प्यार दिखा रहे हो वैसे ही दिखाते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।